आज हम जो डांस करने वाले हैं उसका कोरियोग्राफी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा और वो स्पेशली बच्चों के लिए है। और इतना याद रखना है कि आप लोगों को जब भी आप लोग डांस कर रहे हो उससे पहले एक्सरसाइज जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चों को एक्सरसाइज करने में कंटाल आता है, कोई किसी को मजा नहीं आता है, पर वो जरूरी चीज है। उसके बाद ही आप लोग डांस करेंगे तो ही डांस अच्छा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में आप लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है और स्टेप्स भी अच्छे दिखते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद डांस की कोरियोग्राफी स्टार्ट होगी। ओके, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, अपने लेग को स्ट्रेच करना है, लेग ऐसे ओपन रखना है। ओके, और हाथ को यूं रखना है ऐसे सेंटर में, और अभी राइट एंड लेफ्ट बेंड करना है। खास याद रहे अपर बॉडी है उसको स्ट्रेट ही रखना है, सिर्फ नी से बेंड करना है। ओके, लाइक दिस, ये वन, जो साइड आप बेंड करें वो साइड का लेग ऐसे उसको साइडवर्ड कर दीजिए। टू थ्री, 20 टाइम्स करेंगे। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। यस, इतना याद रहे कि जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ में ही आपको करना है। ओके, सिर्फ देखते ही नहीं रहना है, एक्सरसाइज में करा वो उसके साथ साथ आपको भी करना है। दूसरी एक्सरसाइज आएगी बहुत ही मस्त वाली है, सिर्फ जंप करना है, जंपिंग जबाक हमने इसका नाम रखा हुआ है, और वो एक्सरसाइज हम म्यूजिक के ऊपर करेंगे। आप लोग को क्या करना है, जंपिंग में सबसे पहले लेग को ऐसे ज्वाइंट रखना है, स्टार्टिंग में फ्रंट बैक ऐसे, वन राइट वाला पैर आगे लेफ्ट वाला पैर पीछे, वही आपको फोर टाइम्स करना है। ओके, फिर से बता रहा हूं, वन टू थ्री फोर, फोर में जॉइंट, फाइव सिक्स सेवन एट, पैर को साइडवर्ड ओपन करना, फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, ये हम करेंगे टेन टाइम्स। ओके, एक काउंट में आठ काउंट आएंगे, वैसे हमको टेन काउंट करना है, वो म्यूजिक के ऊपर करेंगे। सबसे पहले फ्रंट बैक, उसके बाद साइड वर्ड, टेन टाइम्स। रेडी है आपको, मैं स्टार्ट करूं तभी स्टार्ट कर देना। एंड स्टार्ट, वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड फाइव साइड सिक्स साइड सेवन साइड एट साइड नाइन साइड लास्ट टेन साइड स्टार्ट। ये टेन टाइम्स जंप हो जाए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज करनी है, और वो एक्सरसाइज है अपनी ही जगह पे जंप करना। हाथ को यूं ज्वाइंट रखना है, जंप करते वक्त खास ख्याल रखना नी को बेंड नहीं करना है, लेग्स को ओपन नहीं करना है, पैर के टोस के ऊपर ही आपको जंप करना है। ध्यान से देखना, हील ऊपर रहेगी ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये जंप हम करेंगे 20 टाइम्स, ये भी म्यूजिक के ऊपर और मेरे साथ में ही करना है, चीटिंग नहीं करनी है। 20, रेडी एंड स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। बस
एक जरूरी सूचना, जब भी आप लोग ये एक्सरसाइज, वार्म अप, डांस जो भी आप लोग स्टार्ट करें ना, उससे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब फुल पेट नाश्ता या खाना या कुछ भी नहीं खाना, 1 घंटा तो कम से कम ब्रेक होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप लोग स्टार्ट करना। अभी हम स्टार्ट करेंगे डांस की कोरियोग्राफी, ओके? तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। सो कोरियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे हर एक सॉन्ग के स्टार्टिंग में छोटा सा म्यूजिक रहता है, टक टक। वो म्यूजिक का मतलब है आप लोग को अलर्ट हो जाना कि म्यूजिक प्ले हो चुका है। अभी हमारा जो गाना है वो मिशन मंगल मूवी का शाबाशियां वाला गाना है जो हम आपको कोरियोग्राफ कराने वाले हैं। सो पहला स्टेप उसमें क्या आएगा, टक टक म्यूजिक बज जाए, उसके बाद आप लोग को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट हैंड, ओके? राइट वाला हाथ ऊपर रखना है, ऊपर से जिगजैग करते हुए वेव फॉर्मेट में नीचे लेके आना है, लेग्स को ओपन रखना है लाइक दिस, ऑडियंस सामने की ओर है और ऐसे करना है 1 2 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी स्टेप्स काउंट नहीं करना, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा याद रखना, बाकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहना है म्यूजिक के ऊपर। जब जितना म्यूजिक लंबा होता है उतना स्टेप्स हमको खींचना पड़ता है। सो इसलिए याद रखना कि स्टेप्स का काउंटिंग नहीं करना कि ये 4 बार करना है, ये 5 बार करना है, ये 10 टाइम्स करना है। म्यूजिक जितनी देर चले उतनी देर आपको स्टेप्स करना है। 4 म्यूजिक आएंगे स्टार्टिंग में, तो पहले म्यूजिक पे ये वेव करना 1 2 3। सेकेंड म्यूजिक आता तो भी लेफ्ट वाले हाथ से स्टार्ट, सेम 1 2 एंड 3, यस। उसके बाद जब थर्ड म्यूजिक आता है, थर्ड म्यूजिक में आप लोगों को लेफ्ट साइड से राउंड घूमना है, ऐसे राउंड, और तुरंत हाथ को नीचे से ऊपर लाना है। ये कौन से म्यूजिक पे, थर्ड म्यूजिक पे राउंड एंड हाथ ऊपर, ये दोनों हो जाना चाहिए। और फोर्थ म्यूजिक पे दोनों हाथों को वेव करते हुए ऐसे नीचे लेके आना है, ओके? ये सिर्फ 4 म्यूजिक तक करना है, ये सेम टू सेम हम म्यूजिक के ऊपर करके दिखा रहे हैं, फिर आप लोग को ट्राई करना है। लेग्स ओपन, 1 चेंज, 10। उसके बाद म्यूजिक हल्का सा चेंज होगा, तो वो नए म्यूजिक पे आपको नया स्टेप करना है। कौन सा स्टेप करना है, जब आप लोग का हाथ यूं करते हुए नीचे आ जाए, फिर स्टॉप कर देना, और अभी फिर से स्टार्टिंग राइट वाले हाथ से ही करना है। राइट वाले हाथ से क्या करना है, साइड में झटके के साथ रखना है, फिर सेम टू सेम झटके के साथ नीचे रखना है, और 2 टाइम्स वेव करते हुए ऊपर लेके जाना है, 1 2। म्यूजिक के हिसाब से जाना, पर्टिकुलर 100% फोकस 2 टाइम्स पे नहीं करना। म्यूजिक की स्पीड के हिसाब से अगर आपका 3 टाइम्स भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकली 2 टाइम्स आएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, 1 2 3 4। सेम टू सेम दूसरे हाथ से भी करना है, पर पहला हाथ वहीं पे लॉक हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके? और ये म्यूजिक 2 बार आएगा, वो 2 बार में ये फिनिश भी हो जाएगा। पहले इतना हम म्यूजिक के ऊपर करके दिखा रहे हैं, और याद रखना जब भी मैं म्यूजिक के ऊपर कर रहा हूं तभी आपको भी साथ में ज्वाइंट करना है, ओके? राइट हैंड, लेफ्ट एंड राउंड, दोनों हाथ, अभी दोनों हाथ से 1 2, ध्यान सुनना, 1 बस। म्यूजिक में जब वर्ड स्टार्ट हो जाए, मतलब लिरिक्स स्टार्ट होता है, तभी हमको फाइनली और नया स्टेप करना है, पर उतना बाद में। पहले इतना का इतना आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, ओके? जब दोनों हाथ साइड में ऐसे लॉक हो जाए, उसके बाद जब लिरिक्स स्टार्ट होता है, मतलब वर्ड स्टार्ट होते हैं, तभी आप लोग को थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा स्टेप। आप लोग को स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन राइट हैंड यूज करना है लाइक दिस, 1, फिर लेफ्ट एंड 2,
राइट के ऊपर लेफ्ट हैंड को यूं रख देना है, मतलब फेस कवर कर देना है, फिर दोनों हाथों को झटके के साथ एक साथ यूं ओपन करना है और फिर फिंगर्स को मूवमेंट करते 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 फेस को दिखाना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में आप लोग का ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप ये फिनिश हो जाए, उसके बाद स्पीड में आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके साथ एक और स्टेप बता दूं, ये फिनिश होने के बाद लेफ्ट साइड से हाफ राउंड घूमना है, मतलब यूं करना है, लेग थोड़े से ज्यादा ओपन कर देना है, राइट वाले हाथ को ऊपर घुमाते हुए ज्यादा ध्यान से देखना, जैसे ही ऊपर घुमाते हुए जा रहे हैं हाथ को फ्लोर पे टच करना है ऐसे, और फिर दूसरा हाथ यूं लेना है ऊपर और पहले नंबर के स्टेप के जैसा ही वेव करते 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 नीचे लेके आना है। जॉइंट करते हैं, फिर से एक बार समझा दूं, दोनों हाथ आप लोग के साइड में थे, 1 2 3 and 4 5 6। जैसे फिनिश राउंड, हाथ को यूं किया, बैंड ऊपर, 1 2 3 4। वर्ड खास फोकस करना जब आप लोग ये कर रहे हैं, कौन सा वर्ड है, कहते थे ये लोग, तो कहते थे ये, यहां तक फिनिश कर लेना है, लोग वर्ड सुनाई दे तभी आप लोग को ये ओपन करना है, इतना आप लोग फोकस करना। म्यूजिक के ऊपर ट्राई करते हैं, सभी को साथ में करना है। डाउन डाउन फास्ट, सलामिया, हाथ जब बैठ के ऊपर से नीचे ले रहे हैं तभी सलामिया, बस यहां तक फिनिश करना है। अभी आज का सेशन हम यहां तक ही रख रहे हैं, आप लोग प्लीज ट्राई करना है, कंपलसरी है ट्राई करना, और अगर आपके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है और आपको ये गाना चाहिए तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, उस पर मैं आपको व्हाट्सएप पे गाना भेज दूंगा। और घर पे प्रैक्टिस करना है, प्लीज प्रैक्टिस करना, मैं चेक करने वाला हूं। ओके okay?